Hello ICE aspirants, so we are here for a review of this year's essay paper jo UPSC ne pucha hai on the 16th of September, and some of you might be preparing for the next year's coming years, and some of you might have appeared in this year mains paper also, and you may be feeling surprised ki are kaisa paper aa gaya hai, right? This paper is basically the representation of a new trend in UPSC GS essay paper. 2020 mein this trend started drift slightly, and in 2021 this trend was very clear ki haan is tarah ka essay aayega, aur 2022 ke andar bhi is tarah ka essay aaya hai, right? To I got lot of messages from the students jo taiyari kar rahe hain, jo hamara helpline number hai civil services preparation ke liye, that is 9501114021, ये हमारा WhatsApp पे हेल्पलाइन नंबर है, एंड फॉर एनी स्ट्रेटजिक रिलेटेड इशू, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टेक्स्ट मैसेज. तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए, मतलब एक ही दिन में आप लगा लीजिए 50-60-70 मैसेज मेरे पास आ गए, शोइंग देयर कंसर्न कि सर ये कैसा पेपर है. सी दिस इज नॉट अ न्यू ट्रेंड, ये कोई आज की बात नहीं है. यूपीएससी हैज बीन ऑलवेज आस्किंग सच एसेज, वन और टू एसेज. बस फर्क ये पड़ गया है कि 2021 में सारे ही 8 के 8 ऐसे इसी दर्ज में आए थे, एंड इन 22 में भी सारे 8 के 8 ऐसे आए हैं. अदरवाइज अगर आप 20 में देखें, इन 23-24 एसेज वर लाइक दिस, एंड इफ यू सी स्टिल गो बिहाइंड 19, 18, 17, 16, ऑलवेज यूपीएससी यूज टू आस्क 1 or 2, 3 सच एसेज जो इसी पैटर्न पे हैं. तो सी स्टूडेंट्स, वन सिमिलर क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर दिस एसे, है ना? वी हैव बीन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर दिस एसेज, एंड डू यू थिंक इट इज सम हाउ टू कैन यू प्रिपेयर दिस एसेज एक्चुअली, रादर फॉरगेट अबाउट प्रिपेयरिंग, कैन एनीबडी प्रेडिक्ट दिस एसेज कि हाँ इस तरह का एसे आएगा पेपर में? नो, डेफिनेटली नॉट. सो यू कैन नॉट प्रिपेयर कॉन्टेंट फॉर दिस एसेज डायरेक्टली, ये तो बात क्लियर है. ये हम कहते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि आप इसके लिए कॉन्टेंट को डायरेक्टली तैयार नहीं कर सकते. ये ऑलरेडी कॉन्टेंट आप पढ़ रहे हो, आपको एक बार देखने से लगता है कि ये क्या आ गया, बट कंटेंट आप ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे. हार्डली देयर विल बी एनी स्टूडेंट जिसने फॉरेस्ट को नहीं पढ़ा होगा, जिसने लेजिस्लेचर्स को नहीं पढ़ा होगा, जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, जिसने अपना ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी. ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिन्होंने ये डोमेन्स की तैयारी नहीं करी होगी, है ना? सबने पढ़ी हुई है. सो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग विच आई हैव बीन टेलिंग फॉर द लास्ट 1.5 years, एंड विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ अभिमन्यु, एंड वी हैव बीन ऑलवेज टेलिंग that see it all depends how you approach a particular topic. आप कैसे एक particular topic को तैयार करते हैं. अ forests are the best case studies for economic excellence. आपने forests को किस point of view से पढ़ा? Forest, what is a forest? है ना? Forest से क्या समझते हो आप? अभी हम जैसे अगर कोई topic तैयार करते हैं तो कहां से उठाते हो आप topic को, किस vision से topic को तैयार करते हो? So that is the most important thing. Whether you intellectually understand the meaning of forest, अगर आप holistically उस topic को तैयार कर रहे हो from conceptual angle also, time ज़्यादा नहीं लगता. It takes only 15-20 minutes, 30 minutes to understand the context of any topic. कि हम legislations बना रहे हैं तो वो legislations एक parliamentary form में बन रहे हैं, किसी भी form में legislations बन रहे हैं, तो basically वो idea कहाँ से आ रहा है, law का idea कहाँ से आ रहा है? तो अगर थोड़ा सा आधा घंटा कोई teacher इस पर लगा ले, whether that teacher is intellectually up to that level टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं लॉ पढ़ा रहा हूं आपको तो लॉ आया कहां से. फॉरेस्ट अगर आपको पढ़ रहे हो तो फॉरेस्ट है क्या एक्चुअल में, क्या पेड़ है सिर्फ फॉरेस्ट? कैन यू इंटरप्रेट फॉरेस्ट एज ए इकोनॉमिक सिस्टम, जॉइंट इकोनॉमिक एंटरप्राइज? तो ये तो आम बात है, हम करते हैं. तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल ऐसे थे ये. ओनली थिंग इज दैट हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन. अब ये हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, ये पहले लेक्चर में बात होती है कि हिस्ट्री क्या है ना, एंड हाउ हिस्ट्री मूव्स. डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट इसको हिस्ट्री की मूवमेंट को समझा है. अगर एक घंटा इस पर लगा लिया जाए तो देन होल कंटेक्स्ट ऑफ द योर प्रिपरेशन चेंजेस. सो मेरा कहने का मतलब ये है, आई हैव सेंट अ मैसेज टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि इट इज नॉट दैट दिस एसेज आर डिफरेंट, दिस एसेज हैज बीन आस्क्ड डिफरेंटली, एंड दिस एसेज आर गिविंग यू मैसेज दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इन अ डिफरेंट वे. आप कैसे यूपीएससी को अप्रोच करते हैं? ये कोई रट्टाफिकेशन वाले ऐसे नहीं है कि आपने ये रट लिया, किसी ने कंटेंट आपको दे दिया, रट लिया और आप वहां उगल आए. नहीं, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन.
interpretation. You require a specific intellectual level to understand these essays, and you require a proper preparation technique. प्रिपरेशन टेक्निक आपको चाहिए, जो आप जो हम एक स्पेसिफिक बुक्स को लेके पढ़ते रहते हैं, जो विदाउट थिंकिंग हम जस्ट एक टॉपिक को कवर करते हैं कई बार, कि हाँ एक वी समटाइम्स टेंड टू बिकम टू एनालिटिकल वाइल प्रिपेयरिंग समथिंग, वी डोंट अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड दैट थिंग, वो ज़रूरत है. तो पेपर जो आपका सेक्शन ए है, इसमें चार जो ऐसे हैं, दे आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर डोमेन्स, राइट. लेकिन अगर आप उसके नीचे देखें, अगर आप उसके नीचे देखें, जो निचले वाले चार एसेज हैं, ये चार ऐसे जनरल एसेज हैं, मतलब दीज एसेज रिक्वायर अ मल्टी डिसिप्लिनरी एप्लीकेशन. जैसे आप यहाँ पे आप मल्टी डिसिप्लिनरी एप्लीकेशन, जैसे ऊपर था कि एक इकोनॉमिक डोमेन से है, ज्योग्राफी डोमेन से है या पॉलिटी डोमेन से है, पर आस्क इट हैव बीन आस्क्ड डिफरेंटली, रिक्वायरिंग अ वेरी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स. बट इन द केस ऑफ जो सेक्शन बी एसेज, these are general and require a multidisciplinary approach, a proper multidisciplinary approach, in the sense that when I say the time to repair the roof is when the sun is shining, right, it is all about taking the actions at right time. So you can use different domains, economic domain mein kya iski matlab hai, political mein kya matlab hai, geographical mein kya matlab hai, environment mein kya matlab hai, security mein kya matlab hai, या आप डिफरेंट लेवल्स ले लीजिए कि इंडिविजुअल लेवल पे इंसान को, एक इंडिविजुअल को कैसे इसको देखना चाहिए, फिर हम एक स्टेट लेवल पे कैसे देखना चाहिए इसको, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे देखना चाहिए इसको, ग्लोबल लेवल पे. तो यू कैन हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक. नाउ दिस अगेन, दिस प्रिपरेशन, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक्स, एक्चुअली यू हैव टू अप्लाई योर इंटेलेक्ट, योर नॉलेज टू राइट सच एन एसे, एंड डिपेंड्स कि आपकी उड़ान कितनी है. What is your flight? What is the extent of your flight? How far you can fly? How far you can interpret? है ना? जैसे मैंने कहा individual level, state level, global level. कैसे decisions लिए जाते हैं at individual? Individual कैसे लेता है? State कैसे लेता है? Global कैसे लेता है? ये तीन level broadly आ गए. Isn't it? Maybe universe को अगर आप देखो तो कितनी planning हो रखी है? कितनी planning advance हो रखी है? उसी तरह से क्या ग्लोबल लेवल पे हैव वी प्लान्ड आवरसेल्फ फॉर अपकमिंग डेंजर्स, या स्टेट के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे हैव वी प्लान्ड आवरसेल्फ, या इंडिविजुअली क्या हम प्लान करते हैं, है ना. एक तरह से ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी एंगल हो गया ऐसे के अंदर, विच रिक्वायर्स अ वेरी ब्रॉड अप्रोच, राइट. और कितना एक्सटेंट में आपने ब्रॉडली लिखा, उसी हिसाब से नंबर आएंगे आपके. दैट इज हाउ वी प्रिपेयर एसेज. So last 1.5 साल से अभिमन्यु के अंदर we have been preparing essays in this way. It is not hard to get marks, but you know, should know the right strategy of writing this. How to decode these essays. These essays required a specific decoding strategy. Decoding strategy चाहिए आपको इसकी, और कैसे अपने intellect को broaden किया जाए उस वक्त paper में लिखते हुए, है ना. Not a difficult task, but the skill has to be acquired. Skill आपको acquire करनी पड़ती है, जो आप करोगे बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ हाउ द थिंग्स आर डन, राइट. तो इस तरह से ये चार एसेज हैं, तो और सब लिख के आए हैं. लेट अस सी नाउ व्हाट रिवार्ड्स यू विल गेट. सो इन द एंड माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज दैट व्हेन यू हैव टू फंडामेंटली चेक द वे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, है ना. आई हैव रिपीटेडली सेड इट वेरियस फोरम्स, एट सेमिनार्स, at very interviews, that only content cannot help nowadays. Only content cannot help it. You have to develop a skill of appearing in the exam. So skill-oriented preparation is must, and that requires a lot of experience, expertise to train you for that skill. आप देख ही रहे हैं ऐसे का पेपर, आपने GS पेपर 1 भी देखा, पेपर 2 भी देखा, कितना कंटेंट तैयार कर लोगे, है ना, कब तक करते रहोगे, करोगे 2 साल तैयार और फिर पेपर में जो बैठे हो, तो अगेन देन यू फील डिस्ट्रेस कि थोड़ा सा और कुछ कर लिया होता तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते, है ना. सो दैट वाज द मैसेज विच आई वांटेड टू शेयर, एंड होप योर प्रिपरेशन विल गो वेरी फाइन, एंड यू विल प्रिपेयर विद फुल जील एंड मोटिवेशन, राइट. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन वंस अगेन. सो आई एम प्रवीण बंसल, चीफ मेंटर अभिमन्यु IAS, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन. Thank you.